कन्नड़ फिल्मों के स्टार दर्शन को एक कथित हत्या के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दर्शन के खिलाफ 9 जून को कामाक्षी पालिया पुलिस ने केस दर्ज किया था और उसी सिलसिले में एक्टर को उनके मैसूर स्थित फार्म हाउस से गिरफ्तार किया था। अब दर्शन को बेंगलुरु लाया गया है, जहां पर रेणुका स्वामी नाम के शख्स की हत्या का केस दर्ज करवाया गया था। हत्या के एक मामले में एक आरोपी ने दर्शन का नाम उजागर किया है और पुलिस उसी के आधार पर कार्यवाही कर रही है। आरोप है कि दर्शन लगातार आरोपी के कांटेक्ट में था। ये गिरफ्तारी मारे गए युवक की मां की शिकायत के आधार पर की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु सिटी पुलिस ने मंगलवार सुबह कन्नड़ एक्टर दर्शन और उनके 9 सहयोगियों को हत्या के मामले में हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक ये कार्यवाही चित्रादुर्गा के रेणुका स्वामी नाम के एक शख्स की हत्या के केस में की गई है। स्वामी चित्रदुर्गा में एक मेडिकल शॉप में असिस्टेंट थे और हाल ही में उनकी शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक चित्रदुर्गा से मृतक का पहले अपहरण किया गया और शहर के पश्चिम भाग कामाक्षी पालिया में उनकी हत्या कर दी गई। उनका शव एक नाले से बरामद किया गया और उस पर शारीरिक चोटों के निशान भी थे, जिससे यह हत्या का मामला होने की पुष्टि हुई थी। बेंगलुरु पुलिस का कहना है, कन्नड़ अभिनेता दर्शन और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि अभी भी पूछताछ के दायरे में है, इसलिए हम ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें, दर्शन एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले एक प्रोजेक्टनिस्ट का काम किया करते थे। बाद में वो दिग्गज सिनेमेटोग्राफर बीसी गौरीशंकर के असिस्टेंट कैमरामैन बन गए और उनको फिल्म पहली 1997 में मिली। इसे एस नारायण ने उन्हें सपोर्टिंग रोल के लिए ऑफर किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी किए। इसके बाद उनको लीड रोल करने का भी मौका मिला।